आजकल गाड़ी है मारुति सेलेरियो और इसका एसी का काम हो रहा है, कूलिंग कॉइल सर्विस करनी है। तो अभी देख सकते हैं कि डैशबोर्ड ओपन हो रहा है इसका। चलिए तो वीडियो पे बने रहिए। इसका फिल्टर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, देखेंगे नहीं होता चेंज करते हैं इसको। चूहा वहाँ ने भी काट दिया है इसको। और सबसे ज़रूरी बात तो ये है, ये इसका चूहे ने इतना ज़्यादा ये सब काट उड़ दिया है यहाँ पे, और इसका कंप्रेसर ही नहीं ऑन हो रहा था क्योंकि ये सेंसर जो है ना, थर्मो सेंसर, इसका तार काट दिया है चूहा। तो कस्टमर जब ने बोला, कस्टमर का कहना था कि जब खोलना पड़ेगा तो इसको खोल के बिल्कुल क्लीन ही कर दो। कूलिंग कॉइल का एक 10 नंबर का नेट यहाँ पे रहता है, जब तक इसको खोलेंगे नहीं कूलिंग कॉइल बाहर नहीं होगा। हमने सोचा कि इसको दिखा दें, दिख रहा होगा 10 नंबर का नेट लगा हुआ है। अभी आप देख सकते हैं ये 10 नंबर का बोल्ट हमारा निकल चुका है, अब ये हमारा कूलिंग कॉइल बाहर आ जाएगा। निकालो, ये हमारा बाहर आ चुका है। चलिए ओपन करके देखते हैं उसको, कूलिंग कॉइल को। ये हमारा कूलिंग कॉइल ओपन हो चुका है और ये देख सकते हैं ये थर्मो सेंसर बिल्कुल ये अंदर चूहा काट दिया है, और इस पर कचरा वगैरह भी बहुत ज़्यादा है। तो चलो अभी हम इसको क्लीन करेंगे, वायर को कनेक्शन जोड़े होंगे, देखते हैं।
उल्टा लग रहा है। ये हमारा डैशबोर्ड कंप्लीट हो चुका है।